लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मोर ओही जे बारी सीता हो मैया रोवतारी बेजो। हम लोग उनको भगवान मानते हैं और भगवान को हम लोग साक्षात देखने के लिए आए हैं। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरे लिए क्या इस कलयुग का भगवान ही है राम के जी राम के रूप में बोलिए या हनुमान के रूप में बोलिए। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारू दुलाहा में बड़का कमाल सखिया चारू दुलाहा में बड़का कमाल सखिया। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे पूरा स्टेज बन के तैयार हो गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए, और यहाँ पर उनके एक भक्त हमको मिले हैं। हम उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस मकसद से यहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं और क्या का कारण है यहाँ पर आने का। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अविनाश सिंह बिहारी और मोतिहारी से आए हुए हैं। अविनाश सिंह बिहारी मोतिहारी से। अविनाश जी, बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर बिहार में पहली बार आगमन हुआ, आपके यहाँ आने का कारण? हम लोग उनको भगवान मानते हैं और भगवान को हम लोग साक्षात देखने के लिए आए हैं। अपने भगवान को साक्षात देखने के लिए आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके लिए एक भगवान का रूप है। जी जी। अच्छा, मेरे लिए क्या इस कलयुग का भगवान ही है राम के जी राम के रूप में बोलिए या हनुमान के रूप में बोलिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब इनसे भेंट होना आपके लिए बजरंगबली या श्री राम से भेंट होने जैसा? एकदम एकदम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो ये आप जो हाथ में लिए हुए हैं? हाँ, ये हम लोग पढ़ते हैं, अपने पास रखते हैं और पलते भी हैं। मेरे घर में पापा दीदी सब हम लोग पलते हैं इनको, और हम लोग घर से इनको लाए हैं और यहाँ पलते हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, गानों की बात चल रही थी, क्या लगता है क्या आप गाने कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, गाना मेरे को आता है, जो बाबा गाते हैं वो गाना मैंने याद रखा है। गाना हम आप अपने हमारे दर्शकों को आप गाकर बता सकते हैं? यस, मुझे आता है एकदम। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और कोई एक भजन? हाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारू दुलाहा में बड़का कमाल सखिया चारू दुलाहा में बड़का कमाल सखिया। ये तो ठीक है, आप मोतिहारी से आए हैं। बिल्कुल, आप मोतिहारी से आए हैं, सीता मैया की धरती उधर ही है, सीतामढ़ी बगल में। तो जानकी माता के लिए कोई एक अगर गीत हो जाए सीता जी के लिए। जी, जी। हनुमान जी बोल रहे हैं प्रभु श्री राम से जी। सीता जी लंका में है तो वो खोज करके पता करके आया है, तो बोल रहे लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मोर ओही जे बारी सीता हो मैया रोवतारी बेजोर। हो गया।
माता रानी का एक आखिरी आप भजन कोई हमें अच्छा सा सुना दे हमारे दर्शकों को। निमिया के डोरिया के डोलिया बना ले ओके निमी के पतैया ओहार, निमिया के डोरिया के डोलिया बना ले ओके निमी के पतैया ओहार, देवलोक से चलाली भवानी नू हो देवता बना ले कहार, देवलोक से चलाली दुलारी नू हो देवता बना ले कहार। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। सीखते हैं, देखिए यहाँ पर भक्त अलग अलग प्रकार से अपने अपने भक्ति भाव को लेकर यहाँ पर आए हैं और अपने भक्ति को अपने अंदाज में दर्शा रहे हैं, कोई कथा कहकर तो कोई गाना गाकर और कोई अपने आंसुओं को यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको दर्शन पहली बार हो रहा है। जिनको वो सालों से जानते थे, जिनको वो सालों से पूछते थे, उन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को वो लगातार आज जब वो देखेंगे 5 दिनों तक, तो कहीं ना कहीं उनके आँखों में आंसू आएगा। और देखिए कि स्टेज जो बनकर तैयार हुआ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा, एकदम सुंदरता देखिए, श्री हनुमंत कथा जय श्री राम जिस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत ये बिहार में तैयारी चली है। और गांधी मैदान की जगह यहाँ नौबतपुर में ये है, तो अभी भी ये जो दर्शक नहीं आ पा रहे हैं तो कृपया करके यहाँ पर पधारिए और अपने दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन के अभिलाषी बनिए। वैसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ में। अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।